सभी लोग हमारे YouTube चैनल ससुर जी किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने बनाया है एकदम हलवाई स्टाइल मार्केट की तरह पेड़ा दूध से। तो चलिए पेड़ा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा इजीली बन के तैयार हो जाता है ये। फ्रेंड मिल्क पेड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 लीटर मिल्क। ये हमने काउ मिल्क लिया है, आप कोई सा भी दूध यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा 1 कटोरी चीनी, ये है हमारा बादाम, देख सकते हैं इसको मैंने बीच में से कट किया है, एक में से 2 पीस किया है बस। और ये है हमारा 4 से 5 इलायची को हमने कूट लिया है, उसका पाउडर है। और ये है 2 बड़े चम्मच घी। तो सबसे पहले हमें इन दूध को उबालना होगा, तो इनको सबसे पहले एक बर्तन में डालेंगे। ये देखिए दूध को हमने पतीले में डाल दिया और इसको हम अच्छे से उबाल आने तक इस तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा दूध उबल चुका है, तो इसको हम इसी तरीके से चलाते हुए गाढ़ा करना है दूध को बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड हमारा दूध काफी गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। इसको हमें और इसी तरीके से चलाते हुए और गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर और चीनी, और इसको हम अच्छे से चीनी मेल्ट होने तक चला लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए फ्रेंड चीनी हमारा मेल्ट हो चुका है, और इसको हमें और अच्छे तरीके से लाते हुए गाढ़ा करना है। एकदम जो दूध है ये एकदम गाढ़ा हो जाना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। इसका जो नीचे का बर्तन है वो बिल्कुल छूट रहा है, देख सकते हैं एकदम क्लीन। यानी कि हमारा पेड़ा का मिश्रण जो है वो रेडी हो चुका है। तो गैस बंद कर देंगे, इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड इसको हमने थाली में निकाल लिया, इसको इस तरीके हल्का फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए फ्रेंड हमारा पेड़ा का जो मिश्रण है वो ठंडा हो गया, आराम से हम इसको छू सकते हैं आसानी से। तो पहले हम हाथ में हल्का घी लगा लेंगे और उसके बाद हम इसमें से हल्का सा मिश्रण लेंगे। आपको जितना बड़ा साइज पसंद है उतना बड़ा ले सकते हैं, देख सकते हैं कितने आसानी से बन रहा है। तो इसको हम हाथ से इस तरीके से राउंड शेप देते हुए हम बीच में थंब से इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देंगे। और ये है हमारा बादाम, इसको हम बीच में इस तरीके से लगा देंगे। तो देख सकते हैं हमारा पेड़ा बनके रेडी हो गया। तो इसी तरीके से सारा पेड़ा बना ले। ये देखिए फ्रेंड हमारा दूध का पेड़ा बनके रेडी हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ज्यादा इजीली बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, एकदम रूई की तरह सॉफ्ट बना है ये। तो एक बार इस तरीके से आप पेड़ा जरूर बना के ट्राई करिए, हमें बताइए हमारे पेड़े की रेसिपी आप लोग कैसी लगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए बाय।